ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, ग्रहण के बाद आने वाले 45 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, इन दिनों में आपके साथ जीवन में कौन सी घटनाएं होने वाली, अच्छा होगा बुरा होगा, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। तो ग्रहण के बाद आपका जो नवंबर महीना है, दिसंबर महीना है, ये जो 60 दिन है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव आने वाले 60 दिनों तक आपको अपने लाइफ में दिखाई देगा। अब उसमें एक और मेन चीज ये ऐड हो चुकी है कि अभी चंद्र का भी ग्रहण होने वाला है। तो जब सूर्य का ग्रहण होता है तब राहु दिखाई देता है, जो ग्रहण की स्थिति होती है उसे राहु कहते हैं, और जब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण होता है तब उसे केतु कहते हैं। जो हमें आकृतियां दिखाई देती हैं उन ग्रहों के बीच जो परछाइयां दिखाई देती है वो राहु और केतु होते हैं। तो राहु और केतु का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसे हम काल समझते हैं कि राहु का समय राहु के दर्शन करना, केतु के दर्शन करना, ये दोनों बहुत ही बेसिक और नेचुरल तौर पर आप समझें। तो इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में 45 दिनों तक होगा और कौन सी सावधानियां जो है आपको आने वाले दिनों में रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत सारी चीजें जीवन में बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये जो कंडीशन में कोई भी आपराधिक चीजें, कोई भी गलत चीजें, इनको करने से आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बचे। आप नहीं करते हैं, मुझे पता है, लेकिन कोई व्यक्ति आकर आपको बीच में ऐड करके कोई आपराधिक में संलग्न करवा दे, तो इस तरह की कोई भी चीजों पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कानूनी परिप्रेक्ष्य पर हर चीजों को बहुत मोटे तौर पर ऑब्जर्व करें, चाहे जमीन खरीदने में, चाहे व्यापार शुरू करने में, किसी भी चीज के कानूनी पहलुओं को पहले क्लियर करें, फिर कोई भी कदम आगे बढ़ाए। ये बचाव भी है और ये आपके लिए अच्छी चीज भी है। दूसरा है कि औचक धन लाभ होगा, मतलब जहां पर चीजें आपको लगती है कि कम इन्वेस्टमेंट है वहां पर बिल्कुल फोकस करें। कम इन्वेस्टमेंट वाली जगहों पर फोकस करेंगे तो वहां ज्यादा आपको इम्पैक्ट मिलेगा, जहां से बिल्कुल उम्मीद नहीं है वहां से आपको धन लाभ होगा। तीसरा होगा कि बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत परेशानियां चल रही है, वो अपने जीवन में अभी तक कुछ भी चीजें अच्छी नहीं कर पाए, तो उनके लिए जो 60 दिन है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि राहु और केतु दोनों के दर्शन अभी आपके साथ होने वाले हैं, और दोनों के दर्शन होने मात्र से जीवन में जितनी सारी चीजें हैं, वो जो स्ट्रगल है, जो डिस्टर्बिंग है, जो काम नहीं बन रहे, सब आपके बने, क्योंकि आप पहले से ही पीड़ित हैं और जो पहले से पीड़ित है उनकी पीड़ाएं खत्म होगी आने वाले 60 दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर, उससे पहले भी खत्म हो जाएगी। अब ओवरऑल जो है, इसके बाद जीवन में एक सकारात्मक बदलाव होगा, चीजें अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, स्थिरता आएगी और जीवन में वो सभी रुके हुए कामों में तेजी आएगी। लेकिन एक सावधानी आपको ये रखना है दोस्तों कि अभी 60 दिनों तक वाहन दुर्घटना से बचें, ऐसी कोई भी धन की दुर्घटनाओं से बचें, कोई भी निवेश हो, ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि अविश्वास की स्थितियाँ हैं, वहाँ आप रुक जाएं, क्योंकि ऐसी स्थितियों में आपके साथ धोखा या छल कपट हो सकता है, और मेरी ये इच्छा है आपके साथ कोई भी धोखा या छल कपट ना हो। इसके अलावा आप अतिरिक्त अपने हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा डरने की कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको अति आवश्यकता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। ओम नमः शिवाय।